यार मुझे तो बहुत घबराहट होती है। तुम्हारी अम्मी ने क्यों बुलाया मुझे? कहीं उन्होंने अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर लिया? खुदा का खौफ करे मुतायर, ऐसी बातें ना करे। वैसे इतनी मुश्किलों से तो अम्मी मानी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे क्यों बुलाया? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुताहिर, आप बिला वजह खुद भी डर रहे हैं और मुझे भी डरा रहे हैं। हो सकता है वो कोई और बात के बारे में बात करना चाह रही हो। आप बैठे, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। क्या मुसीबत है यार, इतनी मुश्किल से मैंने इस औरत को मनाया था, अब क्या मुसीबत आ गई जो मुझे दोबारा बुला लिया। तो ये सवेरा की मां बहुत ही तेज औरत है, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। ये इतनी आसानी से काबू आने वाली नहीं है। बस एक बार मेरी शादी हो जाए ना इससे, तो फिर देखूंगा मैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। जी आजा बेटा, बैठो बेटा। बेटा ये 5 लाख रुपए का चेक है, अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना इससे। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? आप खामखा में तकल्लुफ कर रही हैं। आंटी मैं खुद शॉपिंग कर लूंगा, आप प्लीज फिक्र ना कीजिए। बेटा ये रस्म होती है, दुल्हन वाले दूल्हा को शादी की शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं, और अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगी। वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो इसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। रख लो मुताहिर, ले लो, इतनी प्यार से अम्मी दे रही हैं, मना करना अच्छा नहीं लगता। हरीशो कोर्स प्लीज। आंटी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खुश रहो। थैंक यू। सवेरा बेटा तुम बैठो ताहिर के साथ, मैं जरा चाय का देखती हूँ। जी अम्मी। ज़किया किचन में आओ मेरे साथ। देखा, कहा था मैं। बहुत स्वीट है तुम्हारी अम्मी।